नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल इंडिया स्पिरिचुअल में। दोस्तों, महादेव के इस अद्भुत मंदिर में दूर होते हैं कई असाध्य रोग। आधी रात को आते हैं हजारों की संख्या में सांप। ये तो आपने देश के तमाम शिव मंदिरों के बारे में सुना या देखा ही होगा। इनमें से जहाँ कई मंदिर चमत्कारी माने जाते हैं, जिनके रहस्य को आज तक विज्ञान भी नहीं खोज पाया है, वहीं इन मंदिरों के चमत्कारों से जुड़ी घटनाओं को भी आपने भी कई जगह पढ़ा ही होगा। ऐसे में आज हम आपको देश में मौजूद ऐसे शिव मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जिसके संबंध में कहा जाता है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग के स्पर्श मात्र से कई असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्पिरिचुअल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको घर बैठे देखने को मिल सके। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमऊ के पास स्थित बागेश्वर महादेव के मंदिर को लेकर लोगों में गहन आस्था है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि मंदिर स्थित शिवलिंग के स्पर्श मात्र से ही लंबे समय से पीड़ित गंभीर रोग दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर में दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन के साथ ही अपने रोगों से मुक्ति भी पाते हैं। इस मंदिर को लेकर एक कथा बेहद प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि एक बार नेवल के राजा को भगवान शिव ने सपने में आकर पंचमुखी शिवलिंग, नदी और नवग्रह स्थापित करने के आदेश दिए। भगवान शिव से आदेश प्राप्त करने के बाद राजा ने इस कार्य को प्रारंभ किया और जब पंचमुखी शिवलिंग, नदी और नवग्रह का निर्माण हो गया तो रथ पर इन्हें लेकर नगर में प्रवेश किया जाने लगा। तभी अचानक रथ का पहिया जमीन में धंसने लगा और लाख प्रयास के बाद भी रथ के पहियों को जमीन से नहीं निकाला जा सका। अंत में राजा ने उसी स्थान पर शिवलिंग, नदी और नवग्रह की स्थापना कर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। वहीं भगवान शिव द्वारा बोध कराए जाने के कारण इस मंदिर को बागेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की बनावट बेहद खूबसूरत है और इसे 15वीं शताब्दी की कलाकृति कही जाती है। मंदिर में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग के पत्थर के विषय में कहा जाता है कि यह पत्थर दुर्लभ है और 400 साल पहले विलुप्त हो चुका था। अब धरती पर यह पत्थर नहीं मिलते हैं। वहीं नदी और नवग्रह में जो पत्थर लगे हैं, उन पर पाषाण काल की पच्ची कारी की गई है, जो अपने आप में अद्भुत है। आधी रात को हजारों की संख्या में सांप आते हैं। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग कहते हैं कि आधी रात को हजारों की संख्या में इस मंदिर में सांप आते हैं और शिवलिंग के स्पर्श के बाद वापस जंगलों की तरफ चले जाते हैं। हालांकि लोग इस बात को भी बताते हैं कि आज तक इन सांपों द्वारा स्थानीय लोगों को हानि नहीं पहुँचाई गयी है। ये सांप चुपचाप आते हैं और शिवलिंग के स्पर्श के बाद वापस अपने धाम को चले जाते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर के विषय में यह भी प्रचलित है कि लोग यहाँ आकर मंदिर के शिवलिंग को स्पर्श करते हैं और उनके लंबे समय से चल रहे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।